सर पहली दफ़ा डेढ़ इंच स्पार्ट जो है वो डेढ़ इंच पहले तो टी एस सी होती थी चांटा जिसे कहते हैं अपनी जबान में, ये पहली दफ़ा मिनिस्टर साहब ने इस गवर्नमेंट ने जो है ना वो डेढ़ इंच स्पार्ट कारपेट जिसे कहते हैं वो इन रोडों पर होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करना सारे पे नंबर ठीक ठाक जिते भी उसो खुश बाश उसो। इस टाइम में मौजूदा अपने इलाके की मार्केट की और सो की पता कि असली रोड कितनी ज़्यादा खराब ही बेशुमार वीडियोज़ विच आंदा कि असली रोड खराब ही जिसने वजह से बेशुमार पे नंबर की पता भी चली गया जे असने डडियाल ने बाहर ने उन्होंने की पता चली गया चकसवारी भी गया मीरपुर भी गया उन्होंने जिले ने भी गया वो भी पे नंबर काफ़ी बार फोन करते पुछने रहने कि तुसनी रोड बनती है कौन बनती क्या कोई सूरत हाल गया है। उन्हें ये दसने चले हैं कि अलहमदुल्ला अज फाइनली असनी रोड ना इफ्तिताह आया अस चलसा अगर चलते इफ्ताह भी दसा अस अगर चलसा मिनिस्टर साहब खुद भी ये सुन और इसके अलावा अवाम इलाका बड़ी तादाद की उसी अस अगर चलते दसा और तुम दसने चले कि इस रोड से अलावा तकरीबन अठों रोडों का इफ्तिताह उसी जरा अज 9 अप्रैल और कुछ रोडों ना 10 अप्रैल की इफ्तिताह उसी अस अगर चलें और तुम मजीद दसा कि एली रोड कितने किलोमीटर बन सी कितने इसने पर लागत ऐसी ये भी अगर चलते दसा इस बारे से वीडियो फुल वॉच करनी हूँ आई जो चलने असं जी अपने इलाके की मार्केट की सिया और इतों तक ने उसको इस साइड एक मोटरसाइकिल जाइ रहा है इस साइड एक मोटरसाइकिल जाइ रहा है और कुछ मोटरसाइकिल और गड्डिया मेरा अगर गेट ही तुसें की पता कि अली सांवला बरेटी पिपली कनेरनी मेन रोड है इस वजह से चौं ग्रां बंदे उत्थे कट्ठे हो सुन जिस टाइम इफ्ताह हो सी बंदे जाइ रहे इधर उधर असं जी बिल आहर पची हैं गोलमी नक्की इस रहे से नीचे जासा तो नीचे इफ्ताह हो सी तुम गड्डिया मोटरसाइकिल नज़र आ रही उस तुम कितनी बड़ी तादाद की वहाँ मौजूद ही नाल मजे की गल है कि कम ही जा रही है अजय इस साइडों तक ने उस बकलैन ले भी रही काफ़ी सी साइडों कटाई करी रही ने और जड़े मैंबर इलाके ने वो भी मौजूद है ए जनाब डडियाल ने पीटीआई ने सदर है मेंबर यासीन साहब है और ये वाम आस्ते आस्ते आइडिया और मिनिस्टर साहब भी सुन ओले इतना चीज़ इफ्ताह कर सुन उस मजीद दसने इस साइड तक ने उस ये पोस्टर वगैरह भी लगी के बकायदा इफ्ताह ने इंतजाम किया गया और इस साइड तक ने उस ऊपर इश्तियाल आइडिया ने चौधरी अजहर सादक साहब वजीर तमीरात आमा शखरात बड़ा शुक्रिया अदा करने की सड़कें की बुनियाद रखी हुई दुआ करो कि अल्लाह ताला इसे अपनी मंजिल तक पहुंचाई बिल्कुल इंशाल्लाह। चलो जी दुआएं और जी सब क्या बस अल्लाह का शुक्र है जी ठीक ठाक क्या होना चाहते हो वो अच्छा कम हो रहा जी जरा साड़ी रोड ना अजर साहब साहब ना शुक्रिया अदा करने ठीक है साढ़े मेंबर साहब अदरीस ना बहुत बड़ा ताऊना बहुत एक बहुत एक निका मुड़ा जरा मुड़ा और जरा वो पति किता ने उस इंजीनियर इंजीनियर उमर उम्र को लोगों फिर भी रात इसने तख्ती पट्टी अस फिर भी रात रात 2 बजे इतने बैठे रहे तख्ती लाई सी अली परसों लाई सी ना परसों लाए तो उस पर पूरी गल पाना वाम किता के पता लगा तख्ती ने लिया वा 2 दिन पहले लाए सी ते कल राती सी कोई सटी मशीन पट्टी रे कुसे को पट्टी गया ठीक है हमारी सटी गया फिर इस बारे में कल मुड़ी मौजू फिर होया कि मैं भी था पूछी है मैं फिर अपना मिस्त्री दिता इथे ठीक है बिल्डिंग ने ना कम करना मड़ा ही तो वो फिर मैंने मिस्त्री दिता मुड़ी कल असा जल्दी सी तैयार किया ठीक है राती फिर पूरी रात असा इने पैरा किया कि इना मैं फिर कोई है जी फिर हरकत ना करी जा पूरी रात पैरा किया दे पूरी रात नाल एक महकमे ने बंदे जितनी जितने जितने इना इफ्तिताह करना सा उन्हें सब जगह वो 2 बंदे रात पैरा करने से इतना फिर एक बंदा असा अपनी तरफ दिता एक महकमे की तरफों आया
नजरीन जिस तरह इन्हें दस कि दो दिन पहले इतना तख्ती लगी सी कि रोड नफ्ता उसी कुछ बंदे अच्छी तरह इतू पट्टी गया क्या होता कुछ बंदे पट्टी गया ज्यादा बंदे से जितने भी से जिस तरह होया बंद पट्टी गया और फिर इतने कल तख्ती बनाई ने एक दिन की फिर पूरी तख्ती तैयार की इन्हें क्योंकि अगर तख्ती ना होनी तो फिर इस रोड ना इफ्ता नहीं सा होना। चलो जिस भी वेली हरकत की है इसने बावजूद इस रोड ना अल्हम्दुलिल्लाह इफ्ता हो सी और इस साइड तक ने सो अपनी तादाद की इजाफा होना जरा और हूँ सिर्फ इंतजार है अजहर सादिक साहब ना और तुझे पता है कि जरा कोई इस तरह का मामला है रोड ना या कोई भी इस तरह का मामला उसी असने इलाके की तरक्की ने वाले ना असने यह कोशिश होनी कि अस ब्लॉग बनाई दस कि अपडेट करने रहो कि क्या हुई सूरत आई है। आजी रशीद साहब इस टाइम मुलाकात करी रहे थोड़े हाथ सारे ला सो जी ठीक है दारी ओए ओ दारी छोड़ो ना बस 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 इस टाइम जिस रोड ना इफ्ता हुई गया ये रोड गया कठार था गोरा इसके बाद जिस रोड ना इफ्ता हो सी वो रोड हो सी नकोटा था मकरोठी अस अगे चलने वही रोड अगर जितने तुम दसने उसने इफ्ता हो सी और उसके बाद फिर चल सन डेरी कासा ਇਹ
नूरानी साहब जल्दी करो जनाब। इस टाइम इफ्ताह हुई है नुकोटा था मकरोटी डोटना माशाल्लाह तक ने सोबा में इलाका बड़ी तादाद के मौजूद थे और बिलखसूस अजीर रशीद साहब और अफजल शकील साहब जो डिस्ट्रिक्ट कौंसलर इस टाइम वो इधर मौजूद थे। इफ्ताह हुई है इस डोटना असि इस टाइम आई चुके डेडी कासिम ने मुकाम पर इतना भी रोड ना इफ्ताह उसी त्रे रोड ना इफ्ताह हो चुका और हूँ चौथी रोड ना इफ्ताह उसी इतना इतने भी तकने उसको डेडी कासिम हवा में इलाका इतना मौजूद इस्तकबाल बारे इस टाइम अस मौजूद हैं डेरी कासिम ने मुकाम पर और आज चार रोडों ना इफ्ताह होया अस ना मौजूद है मिनिस्टर साहब अस इन्हें गल करने और पूछने हैं कि इन्हें रोडों पर कम कद तक स्टार्ट होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप लोग यहाँ का मिनिस्टर भी आए काम इंशाल्लाह ताला जैसे आपने देखा भी है काम इंशाल्लाह रमज़ान के बाद ईद के बाद तकरीबन दिन शुरू हो जाएगा। ये तकरीबन 52 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट है जिसमें मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमने वादे किए थे इलेक्शन में उसकी तकमील का ये सफ़र शुरू हो गया है और इंशाल्लाह ताला जो वादे रह गए वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द इंशाल्लाह मुकाम पर कुल है उसका कब तक काम शुरू होगा या इतना कब तक होगा उसके बारे में कोई आप अपडेट कर दें। उसका टेंडर हो गया आप सबके मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला मंजूर हुआ तकरीबन ईद के 2 से 2.5 हफ्तों के दरमियान उसका ग्राउंड में फिर कर देंगे। टेंडर हो गया आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और सबकी ख्वाहिश थी तो ये इसमें भी हम वज़ीर-ए-आज़म साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि माली हालात पाकिस्तान में भी और आज़ाद कश्मीर में भी ऐसे हैं कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद है पूरी कोशिश करूँगा कि जो वादे मैंने बियाल के लोगों से किए वो पूरे माशाल्लाह रोड के वाले से और जी सर पहली दफ़ा 1.5 इंच अस्फाल्ट जो है वो 1.5 इंच पहले तो TSV होती थी चांटा जिसे कहते हैं अपनी जबान में ये पहली दफ़ा मिनिस्टर साहब ने इस गवर्नमेंट ने जो है ना वो 1.5 इंच अस्फाल्ट कारपेट जिसे कहते हैं वो इन रोडों पे होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी माशाल्लाह मैं अपनी तरफ से और वाम इलाके की तरफ से इन रोड्स के वाले से और पुल के वाले से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने वादे पर माशाल्लाह पूरे उतरे और अजीत रशीद साहब की तरफ से भी मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और कौंसलर शकील साहब की तरफ से और जितने भी यहाँ पर लोग मस्जिदीन इलाका मौजूद है सब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और कल भी कुछ रोडों का इफ्ताह होगा उसके वजह से भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी सबको मुबारक हो
और ये सिर्फ वजह है कि अल्लाह ताला के बाद इन लोगों के डिडियाल की वाम की वजह से उन्होंने बेहतर फैसला किया। तो इंशाल्लाह ताला ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इन लोगों का जो फैसला है उसको साबित करूँ कि वो सही फैसला। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। नाज़रीन, जैसा कि आसिफ चौधरी दस्या कि अज चार रोडों का इफ्ताह होया और आसिफ चौधरी अज़हर सादिक साहब को इंटरव्यू किया और उन्होंने दस्या कि इंशाल्लाह ईद ने फौरन बाद इन्होंने प्रॉपर कम शुरू हुई पे सी और इन्होंने कम फिर स्टॉप नहीं होना और फिर इंशाल्लाह बहुत जल्दी एरिया मुकम्मल हुई जासून है। और उन्होंने दस्या कि इंशाल्लाह अच्छे तरीके इन्होंने रोडों की बनाया जैसी अच्छे तरीके कम हो सी जो ठेकेदार है जिन्होंने ठेका किया उन्होंने भी उन्होंने गल की है और इस साइड से दसी ने अस अपनी रोड ना जिस अज इफ्ताह होया तकने उसको तमीर बेहतरीन पुख्तगी लिंक रोड संडल कठार था बरेटी खड टड्याल लंबाई इसने 4 किलोमीटर ही और लागत इसने जी आई है 101 मिलियन रुपये। संगे बुनियाद इज्जत माब जनाब चौधरी अदर सादक वजीर मौसलात और तमीरात आम आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर ने रखा 9 अप्रैल 2023 बरोज इस्तेमाल है अपने 10 मुबारक सी ने इस रोडा ने खिताब किया और उन्हें इंशाल्लाह उम्मीद थी कि उन्हें दसिया कि रमजान से फौरन बाद इस कम शुरू हुई पे सी उनकी जो इजाजत तुम्हें दसिया असने ये खुशी होनी कि जब भी कोई इस तरह ने असने रखी तो मेरा दिक्कत कम होने इस वाले की अपडेट करने रह करा विलाग की सूरत की उनकी जो इजाजत अपना दूसरा ख्याल रखे मिकी दुआ की याद रखे। अल्लाह हाफिज़।